यदि आप मेरे चैनल पर नए हो गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बगल में रेड कलर का बटन मिल जाएगा, उसे प्रेस कर दो ग्रे, और बगल में मिलेगा आपको बेल का आइकन, उसे भी जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। सो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल ब्राउज का रिव्यू जो कि मैंने परचेज किया फ्लिपकार्ट से, महज 1250 रुपए का। बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल ब्राउज है, देख लेते हैं इसमें क्या क्या अच्छाई है क्या बुराई है ये सारी चीजें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, यदि आपने मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो नहीं किया है तो दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाके मुझे फॉलो जरूर करें। और बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी ये जो ब्लाउज है ये रेड कलर का एक सीक्वेंस ब्लाउज है जो कि मैंने परचेज किया है फ्लिपकार्ट से, और मुझे पड़ा है ये 1250 रुपए का। कोई डिस्काउंट नहीं है इस पे, कोई अनदर कुछ भी डिस्काउंट नहीं है, बट गाइस दिस इज वर्थ बाइंग। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि सारी चीजें कि ये एक एक पैडेड ब्लाउज है, जैसा कि आप देख सकते हो इसमें पैड लगे हुए हैं और काफी बड़े साइज के पैड इसमें यूज हुए हुए हैं, काफी अच्छी क्वालिटी के पैड हैं जैसा कि आप देख सकते हो। इजिली इस तरीके से मूव नहीं हो रहा है, इजिली इस तरीके से मुड़ नहीं रहे हैं, काफी अच्छी क्वालिटी है पैड की। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगी इसका जो फैब्रिक क्वालिटी है वो भी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। आप देख सकते हो ये नेट है, ये कम्प्लीटली नेट है जिसका कि बैक साइड पे आपको डिजाइन कुछ इस तरीके से मिलता है। और मैं आपको इसकी स्टिचिंग क्वालिटी बताना चाहूंगी गाइस, तो आप देख सकते हो इस तरीके से इसमें अंदर मार्जिन दिया हुआ है कि आपको यदि ये टाइट हो रहा है तो आप इसको ढीला भी कर सकते हो, और यदि आपको ढीला हो रहा है तो आप इसे टाइट भी कर सकते हो। बट मैं आपको बताऊंगा गाइस, मैंने जो ये मंगाया था ये 32 नंबर मंगाया था और मुझे परफेक्टली फिट आया है, मुझे ज्यादा कुछ भी नहीं करना पड़ा। बस इसमें हुक्स का जो हमारा हुक्स लगाने के लिए आई बटन बना होता है वो इस साइड बना होता है, मैंने थोड़ा सा इसे दूरी पे बस आई बटन बना लिया और ये मेरा फिट हो गया है और मुझे इस ब्लाउज में कुछ भी नहीं करना। दूसरी चीज गाइस, इसके साथ कोई स्लीव नहीं आती है, आप इसमें कोई स्लीव अटैच नहीं कर सकते हो क्योंकि इसके साथ कोई स्लीव नहीं है। और यदि आप इसके इसमें कोई अलग से स्लीव अटैच करवाना चाहते हो तो आप अपने टेलर से बात करके अलग से फैब्रिक लेके आपको करवानी पड़ेगी क्योंकि इसके साथ अटैच्ड स्लीव कोई भी नहीं आती है, ये एक इसमें माइनस पॉइंट है। बट गाइस, ये ब्लाउज अपने में ही इतना ज्यादा ब्यूटीफुल है कि आपको स्लीव लगाने की जरूरत पड़े या ना पड़े, बट आप इसे फटाफट बाय कर लोगे क्योंकि मैंने जैसे ही इसे देखा मैंने फटाक से इसे बाय कर लिया। और इसमें दो कलर्स और अवेलेबल हैं, ग्रे कलर और ग्रीन कलर, और ये ग्रीन कलर बहुत ही ब्यूटीफुल कलर है, बॉटल ग्रीन कलर है, ये भी बहुत जल्दी मैं मंगाने वाली हूँ और उसका भी रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जैसे ही मुझे मिलेगा उसका भी रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो गाइस, जैसा कि मैं नजदीक से आपको दिखा दूं कि इसकी स्टिचिंग क्वालिटी कैसी है, मैं आपको दिखाना चाहूंगी ये 3 लेयर्स है इसमें। पहली इस नेट के फैब्रिक की लेयर है, दूसरी लेयर इसमें साटिन के कपड़े की है जिससे कि अंदर से इसमें शाइनिंग आ रही है, और तीसरी लेयर इसमें लाइनिंग की है जो कि आप देख सकते हो बहुत ही सॉफ्ट सा कपड़ा अंदर लगा हुआ है कॉटन का, और आई थिंक ये लाइनिंग का कपड़ा अलग से आता है वो लगा हुआ है। और स्टिचिंग क्वालिटी आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा अच्छे से हुई है, फिनिशिंग से इसमें काम है। यशरूप ब्रांड का ये ब्लाउज है और उन्होंने सच में स्टिचिंग क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी दी है, स्टिचिंग क्वालिटी बहुत ज्यादा फोकस किया है इन्होंने। और आप देख सकते हो कि ये जो अल्ट्रेशन के लिए भी इन्होंने जो मार्जिन दिया हुआ है वो भी बहुत फिनिशिंग के साथ दिया है, कि ऐसा नहीं है कि बहुत ही रफली स्टिचिंग हो रखी हो और हमें उसे स्टिचिंग करने में या हमें रीस्टिच करने में कुछ प्रॉब्लम आएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप देख सकते हो अंदर से इंटरलॉकिंग, प्रॉपर फैब्रिक की इंटरलॉकिंग हो रखी है, ये देख सकते हो आप फैब्रिक की इंटरलॉकिंग है, ऐसा नहीं है सिर्फ धागे वाली इंटरलॉकिंग हो, वैसा नहीं है, इसमें बहुत अच्छे से इंटरलॉकिंग हो रखी है, ये तुपाई बहुत अच्छे से हो रखी है, और इसका जो कप इसमें लगा हुआ है वो भी बहुत अच्छे तरीके से इसमें अटैच है और बहुत ज्यादा ही ब्यूटीफुल लग रहा है और मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आया। हाँ, ये कह सकते हैं कि ये 1250 रुपए आपको हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, बट गाइज इसकी जो सुंदरता है इस ब्लाउज को वो देख के आपको लगेगा 1250 रुपए कुछ भी नहीं है उसकी सुंदरता के आगे। इसमें ट्रांसपेरेंट कुछ सीक्वेंस लगे हुए हैं जैसा कि आप देख सकते हो पूरे एम्ब्रॉयडरी में, आपको कहीं ना कहीं सेल्फ एम्ब्रॉयडरी है इसमें नेट के फैब्रिक पे, और इसमें कहीं कहीं आपको छोटे छोटे सीक्वेंस दिख रहे होंगे, तो ये बहुत ही ज्यादा झिलमिल से कर रहे हैं और आपको कैमरे में भी दिख रहे होंगे कि इसमें सीक्वेंस लगे हुए हैं जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो गाइस, मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही ज्यादा वर्थ बाइंग है, आप डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हो। हर तरीके के प्लेन साड़ी के साथ ये जाने वाला ब्लाउज है और बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, और इसको मैंने अपने करवा चौथ वाले लुक में भी पहना था और करवा चौथ पे भी इसको पहना था। सो गाइस, यदि आप भी इसे बाय करना चाहते हो तो लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके आप इसे बाय कर सकते हो। डेफिनेटली आपको प्रोडक्ट सेम रिसीव होगा यदि आप मेरे लिंक से बाय करते हो तो। सो गाइस, आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को कर देना लाइक, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर,
सो गाइज मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में किसी अनदर टॉपिक के साथ। और गाइज यदि आप देखना चाहते हो किसी पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट का रिव्यू तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, अदरवाइज आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो। तो गाइज मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं विदा, बाय।